यूपी के शाहजहांपुर से महिलाओं की इज्जत तार-तार करने वाला ढोंगी बाबा सामने आया है, जिसने अब तक 5 से 6 महिलाओं की आबरू को लूटा और फरार हो गया। दरअसल लोगों को इस अय्याश बाबा के बारे में जानकारी तब मिली जब पीड़ित महिला अपनी फरियाद लेकर DIG ऑफिस पहुंची और बताया कि तांत्रिक अनुच्छेदन सरस्वती तंत्र मंत्र के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनके साथ रेप करता है और बाद में जबरन देह व्यापार में धकेल देता है। पीड़िता ने साथ ही पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये काफी दिनों से चल रहा है, हम शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला, तभी इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, उसकी FIR दर्ज हुई थी, ठीक है। उसके बाद मेरा समझौता हो गया था, कुछ लोगों ने समझौता करवा दिया, फिर मैं अपने मैके थी तो मैं वहाँ आई तो मुझे पता चला, तो इन लोगों ने फिर मुझे बहुत मारा तोड़ा, मुझे 2 लाख में बेचा। उसके बाद इन लोग मेरे जेठ ने मेरे साथ में बलात्कार किया। क्या नाम आपका जी? आपके जेठ का नाम क्या है? अनुज कठेरिया। कई ID बनी हुई है उसकी। मामले को लेकर आप पुलिस पे कितनी बार गुहार लगा चुके? मैंने एक मुकदमा वहाँ पे लिखवाया था पीलीभीत में और एक शाहजहांपुर में लिखवाया था, उसमें पुलिस वालों ने FIR लगा दी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये लोग बंद भी नहीं हुए, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। वो सच कौन है जो कई शादियां कर चुका है? वो अनुज है, मेरे जेठ। कहाँ से शादी? उसने एक शादी शाहजहांपुर से की थी और दूसरी शादी एकता वाल्मीकि बरेली से की थी, तीसरी शादी इनसे की थी, चौथी शादी कानपुर की लड़की है उसने फांसी भगा लेके आया था, वो फांसी लगा के खत्म हो गई, और पांचवी सर मेरे साथ में तो जो किया ये वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और पांचवी शादी एक कानपुर से की है। अगर मैडम इस बीच आपको न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। वही जब इस मामले में CEO परमानंद पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है, जल्द ही आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिनों पहले औरैया की रहने वाली एक महिला द्वारा एक FIR कराई गई थी चेतन सरस्वती नाम के व्यक्ति के खिलाफ। उसका आरोप था कि इसका मेरे घर आना जाना था और ये तांत्रिक क्रियाएँ करता था। इसने मेरे घर वालों को अपने झांसे में लेके मेरे साथ जो है शादी कर ली थी, और शादी के बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहा, उससे उसके बच्चे भी हुए 1-2, मगर बाद में महिला का कहना था कि ये तांत्रिक क्रियाओं की आड़ में इसके अन्य महिलाओं से भी संबंध थे और ये उसके साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित भी करता था। महिला का आरोप था कि उसने उसको बेचने का भी प्रयास किया, इसकी वजह से वो भाग के अपने मायके चली गई थी, और बाद में उसने इस संबंध में तहरीर दी थी निगोही थाने पे, उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही वो तांत्रिक अपने परिवार के साथ फरार है। कल कुछ महिलाओं ने ये शिकायत की है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ भी विवाह किया था और विवाह करने के बाद प्रताड़ित भी किया, प्रताड़ित करने के बाद इसने छोड़ दिया मुझको। उन महिलाओं की आज डॉक्टरी कराई जा रही है और नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा, इसमें क्या मुस्लिम बनके भी कुछ शादी करी थी, हिंदू बनके भी करी थी? नहीं, ऐसा अभी कुछ संज्ञान में नहीं आया है। जो शादियां की हैं वो महिलाएं हिंदू हैं। इसके बारे में भी पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही है, कुछ सुराग पुलिस को मिले हैं, जल्दी ही इसे अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई की। पीड़ित महिला ने बताया कि SP और DSP से गुहार लगाने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिला है। DIG से शिकायत करने के बाद FIR दर्ज की गई है। इससे साफ जाहिर होता है, बेशक यूपी के अधिकारी अपराध पर लगाम लगाने का दम भरते हूँ, लेकिन पुलिस विभाग के निचले स्तर के कर्मचारी आदेशों को पलीता लगाते नजर आते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट।